रुवा देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपके सामने आ रही है और ये खबर जुड़ी हुई है बिहार से। आपको बता दें कि आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की आपस में मुलाकात हुई है। इसके साथ ही बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी मौजूद थे और आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद भी मौजूद थे। बड़ी लंबी बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा और राहुल गांधी की मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में इस वक्त महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस और राजद में मनमुटाव सामने आ चुका है। ऐसे मौके पर राहुल गांधी और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात को बहुत ही अहम माना जा रहा है। इस बीच आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कांग्रेस का समर्थन करते हुए राजद पर हमला भी बोल दिया और उन्होंने कहा है कि वादा निभाना महागठबंधन की सबसे बड़ी खासियत और खूबी होनी चाहिए, जो कि राजद को करना चाहिए। जैसा कि भारत लाइव ने आपको बताया था कि राजद कांग्रेस में यह तय हुआ था कि राज्यसभा की एक सीट दोनों मिल करके और कांग्रेस के हिस्से में देंगे। इस बात की चिट्ठी भी बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने राजद को दिया था और याद दिलाया था कि क्या तय हुआ था लोकसभा चुनाव के समय, जब सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन धन का पालन करते हुए अपने वादे को निभाएं। इन्हीं बातों को लेकर आरएलएसपी, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही महागठबंधन के अंदर कोऑर्डिनेशन का प्रयास कर रही है, उसने भी अपना सब्र तोड़ दिया है। सूत्रों की माने तो कुशवाहा और राहुल की मुलाकात के व्यापक मतलब निकाले जा रहे हैं। यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है। सूत्रों की माने तो कुशवाहा को कांग्रेस बड़ा और जिम्मेवारी दे सकती है। इन सब बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में कुशवाहा और उनकी पार्टी युवा विंग माधव आनंद ने नेतृत्व में काम करने को लेकर के बड़ा बवंडर मचने की संभावना लग रही है। आपको बता दें कि इस बवंडर के पीछे कहीं ना कहीं महागठबंधन में लंबे समय से चल रहे आपसी विवाद हैं, जिसको निपटाने में आरजेडी, जो कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, वो सक्षम नहीं हो पा रही है। जिस पार्टी का किसी भी सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उसने भाजपा और नीतीश कुमार की नींद हराम कर दी थी और ऐसी स्थिति में जब लगातार वो प्रयास कर रही थी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाए, सब मिलजुल करके और बड़ी लड़ाई का हिस्सा बने, वैसी स्थिति में अगर आरजेडी एरोगेंस दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं माधव आनंद और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो समझ में आती है। बिहार की राजनीति वर्तमान में जिस तरह की चुप्पी जनता ने साध ली है, वो किस करवट बैठेगी, इसका भी अब अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। बस सिर्फ जनता के मिजाज और युवाओं को उनके सोच के अनुसार सही दिशा देने और समझने वाले ही इस बार के वैतरणी यानी 2020 के चुनाव को पार कर सकते हैं। उससे पहले जो स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, आपने देखा होगा कि उपचुनाव में किस तरह से आपस में महागठबंधन ही उलझ गया था। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा फायदा एनडीए नहीं उठा पाया था, पर जिस तरह की स्थिति थी वो राज्यसभा में देखने को भी मिल रही हैं। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी और कुशवाहा की इस मुलाकात में राजद के युवराज तेजस्वी यादव को संदेश दे दिया है। इस संदेश के पीछे कांग्रेस और आरएलएसपी ने राज्यसभा की एक सीट को महागठबंधन को देने की बात कही है। आपको बता दें कि यह लोकसभा में ही तय हो गया था सीट शेयरिंग के समय, उसी के तहत कांग्रेस ने मात्र 9 सीट पर अपने आप को राजी किया था लोकसभा में। इतना ही नहीं, एक और बात है जो आप बिहार की जनता को जानना जरूरी है। लोकसभा में आरएलएसपी ने लोकसभा की एक सीट मोतिहारी, जो पूर्वी चंपारण सीट थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह के पुत्र को दे दिया था। इस सीट पर आरएलएसपी के माधव आनंद के चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत तेज थी, पर अंतिम समय में सिर्फ गठबंधन को बचाए रखने के लिए कहा जा रहा है कि माधव आनंद ने यह त्याग किया था और आरएलएसपी ने इस पर अपनी स्वीकृति जाहिर की थी। माधव आनंद एक युवा अर्थशास्त्री हैं। राज्यसभा की एक सीट जो महागठबंधन और कांग्रेस मांग रही थी, वो ज़्यादा उम्मीद है कि माधव आनंद के लिए ही सुरक्षित कही जा रही है।
इस विषय पर जानकारों का मानना है कि जिस तरह से माधव आनंद ने अपनी पार्टी के विकट परिस्थितियों से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई है, नीतीश कुमार और भाजपा के मजबूत गठबंधन को चुनौती दिया है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जानकारों की माने तो भले महागठबंधन में आपसी तालमेल नहीं हो, पर माधव आनंद सबके दुलारे हैं। उनके पास बिहार के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे कम से कम बिहार को विकसित करने का वो मादा रखते हैं। खास करके युवा अर्थशास्त्री होने के नाते उन्हें अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान है और उन्होंने बिहार के लिए कई योजनाएं बनाई हैं जिससे रोजगार सृजन के बड़े अवसर पैदा होंगे। ये बातें लगातार मीडिया और कई राजनीतिक दलों के चर्चा का विषय भी रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से राज्यसभा की एक सीट को लेकर आपस में मंथन चल रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि राजद के कर्ता धर्ता तेजस्वी के साथ कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और महागठबंधन के लगभग सभी माधव आनंद के नाम पर सहमत हो सकते हैं। इन सब के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल तक जो लोग विरोध में खड़े थे, उन्होंने भी इस बदली हुई परिस्थिति में अपने विचार बदल दिए हैं। आरएलएसपी से लोकसभा चुनाव में कई आरोप लगाकर बाहर हुए नागमणि जैसे नेता भी माधव आनंद की योग्यता और उम्मीदवारी को लेकर पैरोकारी कर रहे हैं। नागमणि का मानना है कि माधव को उनकी योग्यता और हैसियत के अनुसार स्थान और मान सम्मान नहीं मिला है। नागमणि का कहना है कि यदि वो किसी और दल में होते तो आज उनकी योग्यता के दम पर उन्हें सम्मान और पद दोनों मिला रहता और उनकी योजनाओं का लाभ बिहार जैसे राज्य को मिला हुआ होता और युवा आज भटक नहीं रहे होते। इन सब के बाद हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनके अनुसार राज्यसभा की महागठबंधन के हिस्से में आई इन दो सीटों पर यदि आरजेडी ने नरम और सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी मुश्किलें आनी तय है। सबसे बड़ी बात महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार को लेकर खड़ी होने वाली है। खासकर उपेंद्र कुशवाहा और राहुल गांधी के बीच हो रही गुप्त बैठकों ने बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चा को गर्म कर दिया है। कहा जा रहा है कि बैठक में माधव आनंद को राज्यसभा भेजने के लिए आपस में लगभग फाइनल कर लिया गया है। राज्यसभा के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 13 मार्च है। इस मुलाकात के बाद यदि 13 मार्च से पूर्व राजद ने अपना स्टैंड साफ नहीं किया तो बिहार में सियासी घमासान मचना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर भी ग्रहण लग सकता है। अगर कांग्रेस और आरएलएसपी के बीच में जिस तरह की बातें और सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही हैं वो उसी तरह की होंगी तो आप मान के चलिए कि बिहार में आरजेडी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा नीतीश कुमार को टक्कर देना और एक नए विकल्प के रूप में नए मुख्यमंत्री का चेहरा आपके सामने होगा। अभी तो पहले राज्यसभा में ही एक दूसरे पर जोर आजमाइश की तैयारी जमकर चल रही है। अगर 13 तारीख को महागठबंधन से दो सीटों के लिए अगर 3 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखने वाली बात होगी कि राजद इन सब से कैसे निपटती है और आने वाले 2020 के चुनाव में खुद को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सर्वसम्मत कैसे अपने आप को प्रमाणित कर पाते हैं। देखना होगा कि क्या ये सब कुछ संभव है, एक बड़ी लड़ाई के लिए छोटी कुर्बानी देना। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।